स्वागत है ज्ञान में मैं हूं निशांत गुप्ता आज स्विफ्ट यू के इस ट्यूटोरियल में नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आए हैं ग्रिड का ग्रिड क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले तो हम पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं ग्रिड क्या है किस तरह से इसको यूज़ करेंगे स्विफ्ट यू के अंदर चलिए सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं ग्रेड डैश हेलो जो भी आपको लिखना है दोस्तों आप नेम ले सकते हैं बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही तो चलिए मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ सी डेस्कटॉप के अंदर स्विफ्ट यू के अंदर मैं कर लेता हूँ इसको ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपका सेव हो जाएगा और साथ में ही आपने स्विफ्ट यू आई किया है तो देखिए आपको एक पेन दे दिया है इसने जिसमें हम अपना प्रिव्यू देख सकते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं कंटेंट व्यू अंडर इसको प्रिव्यू के थ्रू ठीक है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कंटेंट व्यू हमें मिल जाता है यहाँ पर स्टोरी बोर्ड होता नहीं है ठीक है नई व्यू कंट्रोलर होता है यहाँ पर हमारा कंटेंट व्यू फाइल रहती है इसको थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं ठीक है थीके? इसको रिज्यूम करते हैं थोड़ा इसको थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारा साइज ठीक से हो जाए ठीक है दोस्तों ये आपका हो चुका है ये प्रिव्यू है तो दोस्तों आपने वैसे भी देखा होगा कि जब हम आपका ग्रिड की बात करते हैं तो हम अगर इसमें ग्रिड लिखें तो एक्सकोड या स्विफ्ट यू आपको कोई भी ग्रिड नाम का एलिमेंट नहीं देता है ठीक है क्यों क्योंकि ग्रिड इसमें होता ही नहीं है हमें ग्रिड को क्रिएट करना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें हेल्प लेनी पड़ेगी लिस्ट की लिस्ट आपका क्या करता है जो आपके एलिमेंट होते हैं उनको वर्टिकली शो कर देता है लेकिन हमें बनाना क्या है वर्टिकली तो लेना नहीं है हमें जैसे आपने नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन देखी होगी कि आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों आपका वर्क करते हैं या आपने अगर अमेजोन प्राइम देखा होगा ठीक है या और भी आपकी एप्लीकेशन्स आती हैं जिस टाइप की आप अमेज़न की कोई सी भी ऐप देख सकते हैं तो उसमें क्या होता है ग्रेड आपका यूज़ किया होता है ठीक है तो हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे देखेंगे वो हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें पहले एक हार्ड कोड में आपको करके बता देता हूँ कैसे हम ग्रिड बनाएंगे दोस्तों ठीक है उसके बाद फिर मैं मॉडल के थ्रू आपको या ए या से जो डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए लिस्ट के अंदर मैं दो फॉर लूप लूँगा जो पहला फॉर लूप होगा वो आपका कॉलन के लिए होगा फॉर ईच में लेता हूँ ठीक है जिसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ ज़ीरो से आपका फाइव तक ठीक है कि फाइव कॉलन मुझे रखने हैं दोस्तों साथ में इंडेक्स ले लेता हूँ इंडेक्स डॉट इन ये क्या हुआ यहाँ पे एन कैसे रह गया ये रहा दोस्तों ठीक है अब आपने ये बना लिया अब आपको क्या चाहिए दोस्तों आपने वर्टिकली आपने कॉलन फाइव ले लिए लेकिन आपको हॉरिजॉन्टली भी कॉलन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल दिखाना पड़ेगा उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल स्टैक का कर यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि नेक्स्ट लूप को हम हॉरिजॉन्टल स्टैक में डालेंगे ताकि वो हॉरिजॉन्टली वर्क कर जाए ठीक है तो इसमें मैं कहाँ से कहाँ तक लूँगा यहाँ पे मैं ज़ीरो से आपका सी थ्री ले लो फोर ले लो जो आपका मन कर रहा है दोस्तों आप ले सकते हो ठीक है और यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ इंडेक्स ले लो या कुछ भी जे ले लो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों ठीक है लेट्स सी मैंने आपका ये ले लिया यहाँ पर आइटम ले, ले लेता हूँ क्योंकि कि यहाँ पर हमें आइटम हैंडल करना होगा ठीक है ये इंडेक्स है ये आइटम है ये आपका फोर बन गया है यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे मान लीजिए कोई इमेज आपको दिखानी है ठीक है तो इमेज के लिए गिड भी बना रहे हो तो हमें एक इमेज चाहिए होगी दोस्तों तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कोई हार्ड कोड या एसेट्स कुछ भी यूज़ करेंगे डेवलपमेंट में तो उस टाइम पे हम प्रिव्यू एसेट्स को यूज़ करेंगे जो कि लाइव ऐप पे आपका इफेक्ट नहीं डालता है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ से पहले डाउनलोड से बहुत सारे हैं हमें तो ये चाहिए ठीक है ये हम उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं इसका नेम ए दे देता हूँ लेट्स सी ठीक है इसका नेम क्या दे दिया मैंने ए हंड्रेड बाय हंड्रेड की इमेज है ये मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में यूज़ करी है मैं इसी को अभी भी यूज़ करूँगा ठीक है और मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ इमेज का नेम दे देता हूँ ए ठीक है और साथ में इसको रिसाइजेबल कर देता हूँ और साथ में इसको स्केल टू फिट ठीक है दोस्तों आपने इतना कर दिया इसको अब रिज्यूम करते हैं देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है आउटपुट बिल्ड सक्सेस हो गया है आपका ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ग्रेड बन के तैयार हो गया है हमने क्या किया था पांच कॉलन लिए वन टू थ्री फोर फाइव और थ्री रोज़ लिए आपने वन टू थ्री ठीक है इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए ठीक है ये आपका कॉलम के लिए हैं और ये आपका रोज के लिए है ठीक है दोस्तों आपको ये आइडिया होगा तो इस तरह से हमने यहाँ पे हार्ड कोड इसको बना दिया है लेकिन अब हम क्या करेंगे डायनेमिकली डेटा लेके आएंगे तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई एरे है ठीक है दोस्तों तो एरे का कंटेंट तो आपका इस टाइप से होता है ठीक है लेकिन ग्रिड के लिए हमें किस टाइप से चाहिए हमें तो एरे ऑफ एरे चाहिए ना कि टू का अगर बनाना है तो वन कॉमा थ्री कॉमा आपका फाइव कॉमा थ्री हमें तो इस टाइप से चाहिए तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें एरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा जो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इस एरे को इसमें कन्वर्ट कर देंगे एक फंक्शन के थ्रू ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए हम चलते हैं फिर उसके लिए मुझे पहले प्ले ग्राउंड पर मैं आपको समझाऊँगा तो प्ले ग्राउंड चाहिए प्ले ग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक है ब्लैंक ले लेते हैं ये आपका जहाँ पे भी सेव हो रहा है होगा ओवर कर देंगे जो पिछला यूज़ हुआ होगा ठीक है चलिए दोस्तों हमारा ये आ गया यहाँ पे हमारा वायर हमें ये नहीं चाहिए ठीक है हम क्या करेंगे एक नंबर ले लेते हैं तो उसमें हम एरे डाल देते हैं लेट सी टू कोमा थ्री को फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉम एट कॉमा नाइन कॉमा ट्वेल्व कॉमा थर्टीन कॉमा ट्वेंटी वन कॉमा थर्टी टू को जो भी दोस्तों आपको सही लग रहा है आप डालते जाओ तो आपका ये कैरे बन गया अब इसको मुझे किस में डिवाइड करना है एरे ऑफ एरे में चाहे वो थ्री का हो ठीक है कि थ्री थ्री के एलिमेंट्स आपके आ जाएँ या आपका फोर फोर के आ जाए फाइव फाइव के वो भी डायनेमिकली रहेगा जो भी आप डालोगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा किसका एरे का ठीक है एरे का हम एक्सटेंशन बनाएंगे यहाँ पे आपका क्या करेंगे एक फंक्शन बना लेते हैं चंक नाम का इस टाइम सब जी दोस्तों एक चीज़ और आप घर पे रहिए इस टाइम पे आपका कोरोना बहुत चल रहा है ठीक है तो जितना आप बच सकते हैं उतना बचिएगा ठीक है मैं इन टू साइज़ ले लेता हूँ साइज आपका इस फंक्शन के अंदर वर्क करेगा इन जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब यूज़ होता है दोस्तों ठीक है इसको परमिशन दे देते हैं जो भी ये मांग रहा है डिबगिंग की और ये हमारा इन टाइप का होगा जो भी हम मांगेंगे ठीक है और रिटर्न क्या करेगा दोस्तों हमें ये रिटर्न करेगा जो भी आप एलिमेंट दे रहे हो उसका एरे एरे ऑफ एलिमेंट्स ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन में हम रिटर्न करा देंगे ठीक है हम यहाँ पर लेंगे स्ट्राइट स्ट्राइट को लेंगे स्ट्राइट क्या करता है आपका स्किप कर देता है आपका जैसे आपका कोई एरे है अगर आप स्ट्राइट बाई टू कर देंगे तो पहले इंडेक्स ज़ीरो आएगा फिर इंडेक्स टू आएगा फिर फोर आएगा फिर इस तरह से आता है तो वो स्ट्राइट कर देता है स्ट्राइट कर देता है तो यहाँ पर मैं ये वाला लूँगा आपका फ्रॉम टू बाई ठीक है फ्रॉम कहाँ से ज़ीरो टू कहाँ से काउंट काउंट में क्यों आ रहा है आपका यहाँ पे क्योंकि ऑटोमेटिकली ये एरे का काउंट ले लेगा ठीक है और यहाँ पे बाई मुझे किससे करना है जो भी यहाँ पे साइज में दूंगा आपको ठीक है और दोस्तों मैं इसको कर दूंगा मैप ठीक है मैंने इसको मैप कर दिया मैप के अंदर मैं क्या करूँगा एरे कर बनाऊँगा ठीक है एरे क्या होगा जो भी आपका एरे है उसका सेल्फ जो भी एरे उठाएगा ठीक है स्मॉल सेल्फ रहेगा ठीक है और इसके अंदर मैं उठाऊंगा पहला आपका एलिमेंट ठीक है कहाँ तक आपका एरे जाएगा वो जाएगा आपका स्विफ्ट का मिनिमम मिनिमम कहाँ से उठाऊंगा वो मैं बता देता हूँ ठीक है मिन ठीक है मिन कहाँ से होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट आपका या जो भी आपका करंट एलिमेंट है ठीक है प्लस साइज ठीक है कॉमा काउंट अब दोस्तों ये क्या हो गया ये क्या हम कर रहे हैं मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ आपको पहले मैं आपको इसमें रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको रन कर देते हैं ठीक है तो देखते हैं क्या आता है अभी इसको कॉल भी करना पड़ेगा एक सेकंड दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर डॉट चंक किस में कन्वर्ट करना है दो में ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं इसको आपका रन कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए इसने क्या किया है एरे को कन्वर्ट कर दिया इस तरह से ठीक है टू थ्री टू थ्री फाइव सिक्स अब मैं यहाँ पे थ्री करूँगा तो थ्री हो जाएगा थ्री करके भी दिखा देता हूँ आपको ठीक है ये रन कर देता हूँ तो देखिए अब ये तीन में कन्वर्ट हो जाएगा देखिए दोस्तों ये आपका तीन में कन्वर्ट हो गया तो ये चीज़ हमने यहाँ कर ली अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे आपको मैं समझाता हूँ यहाँ हुआ क्या स्ट्राइट तो आपको समझ में आ गया जीरो से काउंट तक लास्ट तक चलेगा और बाय साइज़ का ये क्या होगा स्किप हो जाएगा तो स्किप अगर मैं टू से करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा जो आपका ये ज़ीरो इंडेक्स है वो कहाँ से जो करेंट इंडेक्स होगा मतलब फर्स्ट टाइम तो ज़ीरो होगा ठीक है तो ज़ीरो से आपका कहाँ तक जाएगा दोस्तों ये मिनिमम ठीक है मिनिमम किसका ज़ीरो प्लस साइज कितना है बाई टू तो ज़ीरो प्लस टू ठीक है कॉमा काउंट कितना है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन लेकिन मैंने यहाँ वन से स्टार्ट किया है तो आपका क्या हो जाएगा थर्टीन तो आपका थर्टीन बड़ा है या टू बड़ा है थर्टीन है तो इसमें कहाँ तक साइज चलेगा मिनिमम तक तो मिनिमम में आप क्यों क्योंकि आपने मिन कॉल किया है तो ज़ीरो से दो तक आपका चलेगा तो ज़ीरो से अगर दो तक चलेगा ठीक है तो टू तो और थ्री इसमें एरे बन जाएगा और मैप हो गया उसके बाद फिर आपको क्या होगा करंट इंडेक्स आपका आ गया थ्री ठीक है मतलब आपका क्या आ गया करंट इंडेक्स आपका थ्री क्यों आएगा जब ये स्किप बाय टू कर रहे हैं तो करंट इंडेक्स आपका आ गया ये जीरो वन टू करंट इंडेक्स हो गया आपका टू ठीक है कहाँ तक जाएगा करंट इंडेक्स टू प्लस साइज कितना है टू और ये आपका काउंट थर्टीन तो कितना हो गया ये टू प्लस टू फोर तो टू से फोर तक जाएगा मतलब क्या हो गया यहाँ से फोर तक जाना है तो टू थ्री लास्ट वाला हम लेते नहीं हैं तो टू थ्री फाइव और सिक्स फाइव और सिक्स उसको मिल गया ठीक है तो फाइव और सिक्स यहाँ पे कॉल हो जाएगा एक बार रन करा देता हूँ मैं इसको आपको का आइडिया हो जाएगा देखिए फाइव और सिक्स तक चला गया अब करंट इंडेक्स क्या हो गया इसका टू के बाद आ गया फोर तो अब करंट इंडेक्स हो गया इसका फोर ठीक है और यहाँ पे फोर आ जाएगा क्योंकि करंट करंट इंडेक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं तो फोर आ जाएगा आपका फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे सिक्स तक जाएगा मतलब इंडेक्स आपके फाइव तक जाएगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है कहाँ से जाएगा फ़ोर से तो फोर का है ये रहा सेवन एट तो सेवन एट एक साथ हो गया तो इस तरह से दोस्तों आप तीन कर दो चार कर दो पाँच कर दो उसके हिसाब से ये आपका वर्क करेगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पे आपका आ, हम ले लेते हैं एरे प्लस एक्सटेंशन सब ले लो भाई चलिए एरे एक्सटेंशन किया यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया अब मैं इसको अपनी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ ठीक है और मैं कैसे यूज़ करूँगा वो आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा तो चलिए मॉडल के लिए पहले एक हम ये बना लेते हैं फोल्डर मॉडल मॉडल्स कर लिया इसके अंदर मॉडल डाल दूँगा मैं एक ठीक है उसका नेम क्या रखूँगा अभी भी देख लेते हैं ग्रिड की बात कर रहे हैं तो ग्रिड एरे ठीक है ग्रिड एरे मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टक बनाएंगे ठीक है किसका बनाएंगे ग्रेड एरी नहीं आ रहा खुद लिख लेते हैं यार स्पेलिंग तो आती है ना उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिएबल क्यों क्योंकि जब आपका डेटा पीछे से आता है तब आपको आइडेंटिफिएबल ये देना पड़ेगा एरे को या आप जब लिस्ट के साथ वो पीछे छोड़िए लिस्ट के साथ जब आप वर्क करते हैं तो आपको आइडेंटिफिएबल यहाँ पर रखना पड़ेगा ठीक है क्यों क्योंकि आपकी जो लिस्ट होती है वो हर एक में आपका क्या होता है ठीक है एक आईडी मांगता है वो अपने जो आपके जितने भी लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनको हर एक को आईडी प्रोवाइड करता है तो इसलिए मैं इसको आइडेंटिफिएबल मैंने ले रखा है ठीक है फ्रेंड्स चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आई लेते हैं लेट आईडी ताकि हमारी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और यू यू आई डी में लेता हूँ क्योंकि तो जब आप ए पी आई कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आई डी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ यू यू आई डी ये क्या करता है ऑटोमेटिकली आई डी आपकी जनरेट कर देता है ठीक है लेट नेम लेता हूँ नेम में दोस्तों जो चाहें आप वो रखो लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ अभी ठीक है और साथ में एक ले लेता हूँ इमेज यू ठीक है वो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा ठीक है फ्रेंड्स तो आपका ये यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं क्या यहाँ से काम करेगा कुछ क्या हमारा कोई चीज़ ये हेल्प करेगा रिस्टोर नेम एड मेथड्स मेथड्स तो हमें ऐड करना है लेकिन यहाँ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे इसका मैं बनाऊँगा एक्सटेंशन ठीक है एक्सटेंशन किसका ग्रेड एरे का ठीक है और वो क्या करेगा वो मुझे रिटर्न करेगा जो भी मैं यहाँ पे आपका हार्ड कोड मॉडल में वैल्यू डालूंगा ठीक है तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा एफ यू एन सी ठीक है ऑल नाम का मैं बना लेता हूँ ठीक है और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा दोस्तों एरे ऑफ ग्रिड एरे ठीक है यहाँ इतना मेरा काम हो गया ये क्या करेगा मुझे रिटर्न करेगा रिटर्न के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों एरे बनाऊँगा ठीक है उसमें मैं लूँगा ग्रिड एरे ठीक है ग्रेड एरे जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ तो ये नेम और देखिए आपको नेम और इमेज और डालना है बस क्यों क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी तो नेम में आप मान लीजिए डेमो वन डाल दिया और इमेज तो आपकी ए रहेगी ठीक है यहाँ लगाओ कॉमा और उसके बाद दोस्तों सीधा सा एक काम होता है कॉपी किया पेस्ट 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 जितना आप लेना चाहो जितना ज़्यादा उतना आपकी ग्रेड बनेगी उतना ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है दोस्तों मान लीजिए मैंने ऐसे ये ले लिया सबके नेम दोस्तों अभी मैं यही रहने देता हूँ आप चाहो तो चेंज कर लेना दो कर लेना तीन कर लेना जो भी आपको करना है आप कर सकते हो ठीक है मैं इससे रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ बीच बीच में वो तो जब पीछे डेटा लोगे दोस्तों तो आप वहाँ से डाल सकते हो ठीक है तो मैंने इस तरह से ये मैनेज कर दिया ये आपका क्या बन गया इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हाँ ये आपका हमने मॉडल एक बना लिया जो कि हम अपनी क्लास में यूज़ करेंगे ठीक है अब दोस्तों चलिए जो हमने कोड किया था उसको हटा के थोड़ा डायनमिक करते हैं ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों जो हमने मॉडल बनाया है वहाँ से मुझे डेटा चाहिए तो वो मैं ग्रिड नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे ग्रिड एरे आ जाएगा जो कि मेथड कॉल करेगा ऑल यहाँ से इस पैरामीटर मुझे सारी डिटेल मिल गई जो मैंने वहाँ डाली थी एज ए एरे ठीक है और यहाँ दोस्तों जब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए यहाँ मैं वेरिएबल आपका ले रहा हूँ ठीक है वेरिएबल में मैं क्या ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ चंक ग्रेड ठीक है जो भी आपका एरे था उसको मैं किस में कन्वर्ट कर, कर दूँगा जो लिस्ट एरे था उसको एरे ऑफ एरे में कन्वर्ट कर करना है तो क्या करना पड़ेगा चंक लिस्ट करनी पड़ेगी ग्रेड को मुझे चंक में करके कितना चाहिए दोस्तों लेट्स मैं टू कर देता हूँ ठीक है दो मैंने कर दिया लेकिन जब आप यहाँ पे बॉडी के अंदर आपने लेट भी ले लिया ये लिस्ट भी है तो ये दोनों एक साथ नहीं लोगे तो आप रिटर्न तो आपको फिर करना पड़ेगा तो एक से ज़्यादा होते रिटर्न करना पड़ता है तो हमने लिस्ट को रिटर्न भी कर दिया ठीक है अब दोस्तों ये कह रहा है इसको यूज़ करिए इसको यूज़ कहाँ करेंगे दोस्तों इसको यूज़ करेंगे हम ज़ीरो से मुझे कहाँ तक जाना है कितने उसके बने होंगे कॉलन ठीक है तो ग्रिड आपके एरे कितने बने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा काउंट से ठीक है और इंडेक्स आपको क्या मिल गया हरेक का एरे ठीक है तो वो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मुझे हरे की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे एरे चाहिए यहाँ से ठीक है जो आपका एरे है मतलब ये वाला एरे पर्टिकुलर तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जो आपका चंग ग्रिड है ठीक है उसका इंडेक्स उठा लूँगा तो मुझे एक एक करके सब मिलता जाएगा वन बाई वन और यहाँ पे आइटम में मुझे क्या मिल जाएगा उस एरे की आइटम ठीक है तो वहाँ से उस आइटम से मैं क्या करूँगा आइटम से मैं वैल्यू उठा लूँगा इमेज यू की क्योंकि मुझे यहाँ पर इमेज यू डालना है ठीक है अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ इतना कर दिया अब मैं इसको रिज्यूम करता हूँ आई थिंक कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए ठीक है सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए इसको अभी हमने दो लिया है तो ये दो में आपका पार्ट डिवाइड हो जाएगा ठीक है फिर हम तीन लेंगे तो तीन में हो जाएगा वो आप दोस्तों आप पे डिपेंड करता है तो ये आपका जब भी ग्रिड बनाना चाहोगे ठीक है स्विफ्ट यू में तो ईज़िली आप बना सकते हो ठीक है ये देखिए आपका बन गया दो दो में आप इसको मान लीजिए चार अगर मैं कर देता हूँ फिर इसको रिज्यूम करता हूँ तो अभी आप देखिएगा ये आपका चार में भी कन्वर्ट हो जाएगा ये देखिए दोस्तों चार में हो गया लेकिन जो बाकी लास्ट के बचे वो ऑटोमेटिकली एक बचेगा तो एक दिख जाएगा दो बचेगा का दो आ जाएंगे तीन बचेगा का तीन आ जाएंगे दोस्तों ठीक है तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये बन चुका है तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और इसी तरह से इस चैनल पे आते रहें और आगे मैं इसमें वीडियो में लेके आऊँगा स्टेट प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जर्वेबल ऑब्जरेबल बहुत सारे हैं ऑब्जर्व होता है ऑब्जरेबल होता है इन्वायरमेंट ऑब्जर्व होता है ऑब्जेक्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो सिर्फ यू हम वी वर्क करेंगे जो एम के यूज़ जब हम करेंगे तो बहुत हेल्प करेंगी ठीक तो है तो बढ़िया रहेगा दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में